यू आर वॉचिंग कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर और कुक स्मार्ट में अब बारी आती है एक बेहतरीन रेसिपी की कसूरी मेथी के साथ में। कसूरी मेथी फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है, तो चलिए इसके साथ में दही का कमाल दिखाते हैं आपको हम। और शुरुआत करते हैं फटाफट, एक बढ़िया से मोटे तले का पैन, नॉन स्टिक पैन है, तो ये इसके अंदर डाल दिया हमने तेल। और तेल डालने के बाद इसमें कुछ थोड़ा सा लौंग और दालचीनी ये डाल देते हैं, लौंग दालचीनी। और फिर एक काम करना है मुझे, ये मेरे पास में है प्याज, और प्याज के साथ साथ ये लहसुन, प्याज और लहसुन, और ये अदरक। अदरक जो है थोड़ा मोटा है, ज़्यादा है, फ्रेश चाहिए तो इसको काटना है, और अदरक भी इसके अंदर। तो ये अदरक, प्याज, लहसुन, ये सारी जो चीजें हैं ये हमने कर ली चॉप। और ये चॉप करने के बाद देखिए कितनी फटाफट ये सारी चीजें हो गई चॉप। तो ये इसके अंदर, और ये जो कसूरी मेथी है इसको हमने बनाना है मटन के कीमे के साथ। तो ये मेरे पास मटन का कीमा, आप चाहें तो चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए हल्की सी गुलाबी इसके अंदर ह्यू आ गई, थोड़ा सा रंग इसमें आ गया। तो फिर ये हमारे पास कीमा, और ये जो कीमा है ये लेकर इसको भी तेज आंच पर हमने इसके साथ में पकाना है। तो ये लीजिए, इसको पहले भून लेते हैं अच्छी तरह से, थोड़ा सा भुनेंगे प्याज के साथ में। ये लीजिए, ये हमने कीमे को तेज आंच पे प्याज के साथ में, अदरक लहसुन के साथ में भून लिया, और साथ साथ आप देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से क्रश भी करता जा रहा हूँ। तो ये क्रश कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास में जो मसाले हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले तो हम वैसे ही नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि चाहते हैं कसूरी मेथी जो है ना वो खिल के आए एकदम। तो ये इसके अंदर हल्दी, और इसमें हरी मिर्च भी, तो ये हरी मिर्च, हाँ तीखापन तो चाहिए ना, लाल मिर्च इसमें नहीं डालेंगे, बस हरी मिर्च से ही काम चलाएंगे इसका। तो ये अब देखिए पानी भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा भुनते भुनते, तो ये साथ साथ भुन भी रहा है, पक भी रहा है। और अब इसको कीमे में से खुशबू आने लग गई है, तो ये अब बारी आती है इसमें दही डालने की। दही डाल के ये लीजिए दही इसके अंदर डाल दिया, और अब दही डाल के इसको पकने देना है, लेकिन नमक भी डालेंगे इसके अंदर हम, नमक स्वाद अनुसार, सॉल्ट टू टेस्ट। ये नमक डाल दिया इसके अंदर, और फिर इसके अंदर बारी आएगी कसूरी मेथी की। ये जो कसूरी मेथी है ये भी कमाल की चीज़ है, बस कसूरी मेथी किसी भी चीज़ में डालो, बटर चिकन में भी डालो तो इसका रोल बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर तो है ही है। अच्छा ये जो है ये डालने के बाद आपने देखा इसके अंदर मैंने ये जो कसूरी मेथी डाली है ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं वो डाली है, तो अब क्या होगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर काफ़ी है ये थोड़ा थोड़ा हाइड्रेट होने लग जाएगी, थोड़ा थोड़ा इसमें जो पानी है वो जैसे जैसे डलेगा तो ये पत्तियाँ थोड़ी सी, नहीं नहीं मतलब किशमिश कभी अंगूर थोड़ी बनती है, तो ये कसूरी मेथी भी फ्रेश मेथी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसमें जो कसूरी मेथी है ना उसका फ्लेवर एकदम इंटेंस चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरे पास है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ली, उसकी सूखी पत्तियाँ, ड्राइड लीव्स, उसको तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लिया, और उसके बाद में जब वो क्रिस्प हो गई तो इसे पीस लिया। आप चाहें तो हाथ से भी पीस सकते हैं और फिर छन्नी में से छान सकते हैं। ये इसके अंदर हम डालेंगे बस थोड़ी सी देर में। मेथी एक ऐसा फ्लेवर है जिसमें हल्की सी कड़वाहट होती है लेकिन बड़ा यूनिक फ्लेवर है। अब फ्रेश मेथी जो है
उसमें से कड़वाहट निकालनी नहीं, कड़वाहट निकालेंगे तो मेथी खाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेथी के पत्ते का जो फ्लेवर है वो काफ़ी देर तक रहता है, मतलब आप उसको ड्राई करके रख लें। जो कसूरी मेथी है वो मेथी के पत्ते ड्राई करे तो हैं, पैकेट में मिलते हैं, आप चाहें तो घर में खुद भी बना सकते हैं। जब मेथी सीजन में हो उसमें से पत्ते आप तोड़ के आप उसको धूप में सुखा लें और कसूरी मेथी तैयार हो जाएगी। हाँ, फिर ऐसा लगेगा कि इतने जब पैसे बच जाएंगे फिर क्या करेंगे। इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, चेक करने के लिए जैसे ही खोला तो मैंने आपको कहा था ना कि जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाएंगी। अब देखिए ये पत्तियाँ जो हैं ये हरी हरी तो दिख रही हैं, ये वही कसूरी मेथी है। और अब इसमें कसूरी मेथी और ये लीजिए, हाँ ये जो है ना, कई लोग जब पहली बार इसको खाते हैं कसूरी मेथी तो भाई मेथी कड़वी होती है, लेकिन एक बार पसंद आ जाती है मीट के साथ में तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। जब एक बार इसकी आपको आदत हो गई ना, बस फिर देखिए आप कैसे इसको खाते जाएंगे खाते जाएंगे। अब क्या करना है, इसे लेकर आँच कर दी धीमे धीमे करके इसे तब तक पकाना है जब तक कीमा पूरी तरह से गल ना जाए, और फिर दही में मिक्स होके हल्का सा खट्टा टेस्ट और मेथी का टेस्ट कीमे के साथ में, गरम गरम फुलके हों या स्टीम्ड राइस हो, कुछ भी हो, ब्रेड के साथ भी अच्छा लगता है। चलिए बनाइए, खाइए, खिलाइए।